सो हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट क्लासेस में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। सो इस वीडियो में हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हम डिटेल में कवर करेंगे। सो स्टॉक में से कोई भी स्टॉक आप लोगों के पास है किसी भी लेवल पे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड के बारे में। सो इन्फोसिस लिमिटेड में आज के दिन बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिला, लगभग 4.25% की तेज़ी, और स्टॉक ने जो क्लोजिंग दिया दोस्तों वो भी एकदम टॉप है। तो माइट भी ये तेज़ी आपको कल के दिन भी कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर हम इन्फोसिस लिमिटेड की बात करें, सिर्फ आज के दिन ही पिछले कुछ दिनों से इन स्टॉक में आपको एक कंसिस्टेंसी एक तरफा रैली देखने को मिल जाएगा। जैसे कि पिछले 5 दिन के परफॉर्मेंस की बात करें तो 10% की तेज़ी, एक मंथ की बात करें रफली तो 14%, एग्जैक्टली देखोगे निचले स्तर से तो आपको 16 से लेकर 17 बन सके शानदार आपको तेजी बनते हुए देखने को मिलेगा, फिर एक शानदार आपको रैली बनते हुए देखने को मिलेगा। जो इन्फोसिस लिमिटेड में इतनी जो पिछले कुछ दिनों से जो कंसिस्टेंसी तेजी देखने को मिल रहा है, सो इसके पीछे का रीज़न क्या है, साथ साथ खास करके आज के दिन जो इन स्टॉक ने इतने शानदार परफॉर्मेंस दिखाया, सो इसके पीछे का रीज़न क्या है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें जो आज के दिन इन्फोसिस लिमिटेड में इतने धमाकेदार तेजी देखने को मिला, सो इसके पीछे का रीज़न की अगर हम बात करें दोस्तों, कंपनी आप देख पा रहे हैं, सो कंपनी ने 3% की रैली, क्योंकि कंपनी मेगा डील वर्थ ऑफ 2 बिलियन की कंपनी को बहुत बड़े हमें डील मिलते हुए देखने को मिले, जिनके चलते आज के दिन स्टॉक में हमें इतने शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला, ये तो हमें समझ में आएगा। और आपको पता है जो इस बड़े साइज की कंपनी है, तो इस बड़े साइज की कंपनी इन्फोसिस, TCS जैसे कंपनी को, विप्रो, HCLTech जैसे कंपनी को इस प्रकार के डील आपको मिलते हुए देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि कंपनी इतने बड़े साइज की कंपनी है, तो आए कुछ दिनों के अंदर अंदर कंपनी को बहुत सारा डील आपको ज़रूर मिलते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो आज के दिन जो स्टॉक में आपको इतने शानदार तेजी देखने को मिला, सो उसके पीछे का रीज़न ये है। लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों से जो इन्फोसिस लिमिटेड में इतनी शानदार रैली देखने को मिले, वो भी एक तरफा, सो इसके पीछे का रीज़न क्या है। सो इसके पीछे का रीज़न दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ बहुत ही पहले, कि बाजार के एक्सपेक्टेशन, जो बाजार इस बार IT स्टॉक से उम्मीद करके चल रहे हैं वो बहुत ही कम, मतलब बाजार मान के चल रहे हैं कि IT कंपनी के जो नंबर हैं पिछले कुछ क्वार्टर से ख़राब आ रहा है, तो इस बार की भी जो IT कंपनी के नंबर है वो बहुत ही ख़राब आने वाले, ख़राब तो बिल्कुल भी आ रहा है, मतलब आ रहा था वो तो हमें बिल्कुल भी दिख रहा है, चाहे अगर हम TCS की भी बात करें, अगर हम HCLTech की भी बात करें, या विप्रो की भी बात करें, या LTIMindtree की भी बात करें, उनके नंबर भी कुछ खास नहीं आए, एकदम ओके टाइप के नंबर आए, नंबर ख़राब तो ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन बाजार जितना मान के चल रहे हैं आप बोल सकते हो कि उससे थोड़ा सा हमें थोड़ा बहुत बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो सेम बाजार जो दोस्तों इन्फोसिस से भी बहुत ही कम उम्मीद लेके बैठे हो, और उनको ये ज़रूर मान के चल रहे जितना बाजार ने उम्मीद किया उससे बेटर परफॉर्मेंस इन्फोसिस दिखा सकता है, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा TCS जिस कंपनी के नंबर आने के बाद कभी भी स्टॉक में तेज़ी नहीं होता है बल्कि गिरावट ही होता है, कभी भी TCS के नंबर बाजार को अच्छे नहीं लगते, लेकिन इस बार TCS ने ऑलरेडी खराब ही नंबर देखा, लेकिन उसके बाद भी TCS को नंबर ने बाजार ने अप्रिशिएट किया, क्यों, क्योंकि बाजार ऑलरेडी मान के चल रहे थे कि TCS के नंबर खराब आएंगे, जितना बाजार मान के चल रहे थे उससे थोड़ा सा पॉइंट अच्छा नंबर दिखा और उस नंबर को बाजार ने अप्रिशिएट किया। तो सेम, और आपको पता है जो TCS है, TCS जितना नंबर दिखाते उससे एक पॉइंट अच्छे नंबर इन्फोसिस दिखाते, तो TCS के नंबर को अगर बाजार ने अप्रिशिएट किया तो ऑब्वियसली बाजार ये मान के चल रहे इन्फोसिस के नंबर को भी बाजार अच्छी तरह से अप्रिशिएट कर सकते, जिनके चलते कंपनी के नंबर आने से पहले स्टॉक में एक तरफा कंसिस्टेंसी तेजी और तेजी देखने को मिल रहा है। सो 20 जुलाई को कंपनी के नंबर है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको पता है कि स्टॉक ने कुछ ही दिनों के अंदर एक तरफा 17% की शानदार तेजी दिखाई, तो अगर बाजार के हिसाब से नंबर नहीं आता या फिर बाजार के एस्टिमेट को कंपनी फुलफिल नहीं कर पाते, तो नो डाउट जितना तेजी बना है आपको पता है बहुत बड़ा झटका भी, या फिर बहुत बड़ा गिरावट भी आप उम्मीद करके या एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। तो कंपनी की अगर बात करें, कंपनी फैंटास्टिक है, लेकिन अगर बाजार के हिसाब से नंबर आ जाए या फिर बाजार से भी उम्मीद से भी और बेटर कंपनी के नंबर आ जाए, तो नो डाउट स्टॉक ने जो कमबैक दिखाया तो माइट भी क्या पता स्टॉक एक बहुत बड़ा रैली भी और भी आपको दिखाते देखने को मिल सकता है, अगर कंपनी के नंबर बाजार जितना उम्मीद करके चल रहे हैं उससे अच्छे नंबर दिखाना आना चाहिए, बहुत ही अच्छे, तभी जाके ये रैली आपको और भी कंटिन्यू देखने को मिल सकता है, मतलब 1700-1800 तक भी स्टॉक आपको टारगेट दिखा सकता है अगर बाजार के हिसाब से नंबर आ जाए, तो वो तो हमें 20 जुलाई को देखने को मिल जाएगा। सो किसी को इस टाइम पे डिसीजन लेनी है, वैसे इन्फोसिस जैसे कंपनी को आप किसी भी लेवल पे खरीद सकते हो, अगर आप होल्ड करने के लिए रेडी हो तो डेफिनेटली ये कंपनी आपको लॉन्ग टाइम शानदार रिटर्न बना के जरूर दे देगा। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको इस टाइम पे डिसीजन लेनी है
तो 20 जुलाई को कंपनी के नंबर है, नंबर देखना, उसके बाद ही अगर आप डिसीजन लोगे तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट, आपको बहुत बड़े बेस्ट क्लियरिटी मिल जाएगा कि आपको जाना चाहिए नहीं चाहिए। आपको रिएक्शन भी देखने को मिल जाएगा, हो सकता है कि बाजार के नंबर, इन्फोसिस के नंबर बाजार के हिसाब से ना आए और स्टॉक में एक अच्छे खासे गिरावट हो और ये स्टॉक आपको और भी डिस्काउंट में मिले। तो प्लीज़ 20 जुलाई को नंबर देखना, उसके बाद अपना आप डिसीजन ले सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा LTIMindtree लिमिटेड। अगर हम LTIMindtree की बात करें, आज के दिन लगभग 2-2.5% के आसपास के हमें गिरावट देखने को मिला। इस गिरावट के पीछे का रीज़न है, तो हर किसी को पता है कि बाजार का रिएक्शन, कल के दिन आफ्टर मार्केट कंपनी के नंबर देखने को मिला। इस नंबर के प्रति बाजार का जो रिएक्शन है वो हमें आज के दिन देखने को मिला। अगर हम ओपनिंग की बात करें तो गैप डाउन देखने को मिला, उसके बाद स्टॉक 5000 के भी नीचे गए थे, तो अच्छी बात है कि इसने 5000 के ऊपर ही स्टॉक ने क्लोजिंग दिया। तो स्टॉक में गिरावट दोस्तों इसलिए हुआ क्योंकि बाजार उम्मीद करके चल रहे थे, तो उस बाजार के उम्मीद को वो थोड़ी सा आशा में एस्टिमेट मिस करते देखने को मिले, जो कि ये कोई आज की बात नहीं, हर बार मार्च की बात करें, जून, दिसंबर, सितंबर, आपको हर बार बाजार जितना एस्टिमेट करता है वो इस एस्टिमेट को बिल्कुल भी मतलब फुलफिल नहीं कर पाते। तो इतना ही कहना चाहूँगा, इसके चलते आप अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए स्टॉक को पिक किया तो आपको कोई भी बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं। ये आम बात है, हर किसी के ऊपर एस्टिमेट किया जाता है। ये नहीं कि एस्टिमेट अगर वो फुलफिल नहीं कर पाते तो कंपनी ख़राब है, फिर स्टॉक नीचे जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा होता तो स्टॉक आज आपको 500-600% रिटर्न बना के नहीं देता। तो इतना कहना चाहूँगा, ये चीज़ें चलते रहते हैं, पहले भी चलता था, अभी भी चल रहा है, और आपने देखा होगा बीच बीच में आपको इस प्रकार के गिरावट देखने को, मतलब एक रिएक्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन ओवरऑल कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें, लॉन्ग टर्म में कंपनी आपको शानदार परफॉर्मेंस दिखाने वाला है। तो अच्छी कंपनी है, इसके चलते अगर आपने स्टॉक को टॉप पे खरीदा या फिर नंबर आने से पहले खरीदा तो कोई अपने गलती नहीं, बस आप होल्ड करोगे तो डेफिनेटली LTIMindtree में आपको ज़रूर आपको शानदार रिटर्न बना के लॉन्ग टर्म में ज़रूर दे देगा। किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है, अगर ये नंबर आपको अच्छे लगे, इस कंपनी के बिजनेस मॉडल अगर आपको अच्छे लगते हैं, तब चाहो तो आप इस नंबर को देख के भी फेज बाय करके कंटिन्यू करके चल सकते हो। देन नेक्स्ट स्टॉक है हमारा वैभव ग्लोबल लिमिटेड। वैभव ग्लोबल लिमिटेड की बात करें, आज के दिन बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिला, लगभग 5-5% की तेजी। ये तो मैं रफली बात कर रहा हूँ जहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया, लेकिन बीच में पता है आपको स्टॉक ने लगभग 8% के आसपास धमाकेदार तेजी दिखाया था। क्योंकि अगर आप इसके 5 दिन के परफॉर्मेंस को भी देखोगे तो 17 जुलाई तक ये फ्लैट था, अपडेट भी देख पाएंगे, और आज के दिन एक बहुत शानदार बाइंग देखने को मिला। तो क्या कोई बहुत शानदार पॉजिटिव न्यूज़ आया दोस्तों? अभी तक ऑफिशियली ऐसा तो कोई न्यूज़ नहीं आया, तो हो सकता है कि बाजार आने से पहले कोई अच्छे खासे स्टॉक में बाइंग किया, तो हो सकता है कि कंपनी के नंबर इस बार के Q1 के नंबर बहुत ही शानदार तो कभी भी नहीं आता है, बट एक अच्छे नंबर कंपनी दिखा सकता है। पहले से शायद से अनुमान लगाया जा रहा है, जिनके चलते हमें पहले से कोई बड़े इन्वेस्टर हमें स्टॉक में अच्छे खासा हमें पोजिशन बनाते हुए देखने को मिले। लेकिन कंपनी की अगर हम बात करें, एक अपडेट ज़रूर निकल के आ जाएगा, जो कि आप चाहो इसे भी एक पॉजिटिव पॉइंट ज़रूर कंसिडर करके चल सकते हो, जो कि कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न। कंपनी की बात करें प्रमोटर की, तो उन्होंने थोड़ा सा स्टेक सेल किया, जो कि कंसिस्टेंसी वो कर ही रहा है। लेकिन अच्छी बात इस एक साइड में है कि FIS कंसिस्टेंसी दोस्तों हर क्वार्टर कंपनी अपना स्टेक इंक्रीज ही करते जा रहे हैं, जो कि थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो ज़रूर आता है। लेकिन दूसरे साइड से बात करें, जितना DS माल बेचता जा रहा है उतना है दोस्तों FIS भी हमें खरीदते हुए देखने को मिले। पब्लिक की भी बात करें तो उन्होंने थोड़ा बहुत स्टेक बेचा, तो अच्छी बात यह है कि इतने रिस्की कंपनी होने के बाद भी स्टॉक अपने टॉप लेवल से 70% गिरने के बाद भी इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर इस स्टॉक को होल्ड करने के लिए रेडी है, या फिर थोड़ा बहुत स्टेक इंक्रीज करने के लिए रेडी है, तो इसे हमें एक थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस ज़रूर मिल जाते हैं। साथ ही ये स्टॉक दोस्तों पॉपुलर और इसलिए है क्योंकि अगर आप पब्लिक में जाओगे तो दो नाम आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा जिनके चलते वैभव ग्लोबल स्टॉक दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हमें होते देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक नाम की बात करें तो विजय केड़िया, दूसरा दोस्तों आशीष कचोलिया, जिनके पास जितना स्टेक थे, क्योंकि पहले से उन्होंने स्टेक थोड़ा सा इंक्रीज ही किया अगर हम बोल सकते हैं। तो अगर हम बात करें विजय केड़िया, तो उनके पास लगभग 2% के आसपास स्टेक, जो कि इस क्वार्टर में भी देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें आशीष जी की, तो उन्होंने लगभग 101% के स्टेक, जो कि इस क्वार्टर में भी हमें होल्ड करते देखने को मिला। तो इन्होंने खरीदा, तो इसके चलते आप ये नहीं कि 70% की डिस्काउंट में मिल रहा है जाके स्टॉक को खरीद लो दोस्तों। 70% से जो स्टॉक डिस्काउंट में मिल रहा है, फिर जो 70% स्टॉक गिरा है और उसके बाद जो स्टॉक कमबैक नहीं कर रहा है, जो आप देख पाएंगे 70% गिरा है 70 और कोई भी कमबैक नहीं है, कोई भी मतलब बाजार टॉप पे, लेकिन एटलीस्ट इसमें थोड़ा बहुत तो कमबैक आएगा, एटलीस्ट 300 का स्टॉक 600 तक तो आएगा, 700 तक तो आएगा, लेकिन फिर भी स्टॉक में कोई भी कमबैक नहीं है। सो ऑब्वियसली इसके पीछे का क्या रीज़न हो सकता है? इसके पीछे का इस कंपनी के खुद के इंटरनल रीज़न हो सकता है, जो कि मैं आपको मल्टीप्लाई टाइम दिखा चुका हूँ। कंपनी के परफॉर्मेंस आपको कहीं से भी ग्रोथ नज़र आ रहा है, किस लेवल से भी 2-2.5 साल हो गए कंपनी की रेंज
700-600 एक ही रेंज में कंपनी के इनकम, अगर कंपनी की दोस्तों इनकम ग्रो नहीं होता है, इट्स मीन आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कंपनी अपने बिजनेस से, कंपनी के बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहे। तो ये पॉइंट आपको पहले से ही पता होना चाहिए, जिनके चलते कंपनी के मार्जिन जो कि पहले डबल डिजिट में थे अभी वो सिंगल डिजिट में आ चुका है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। तो जब तक कंपनी इस लेवल को ब्रेक करके कंसिस्टेंसी नंबर ना दिखाए तब तक स्टॉक में सॉलिड कमबैक आना और वो कमबैक टिकना उसके बाद और रैली दिखाना इम्पॉसिबल है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो बहुत लोग सोच रहे हैं कि 300 से तो 350 बन चुके हैं दोस्तों, आज 7% भागा, कल 7% भागा, फिर 400 आएगा, फिर स्टॉक 300 पे चला जाएगा, क्योंकि कंपनी के अगर Q1 के नंबर खराब आता है तो इतना मैं कहना चाहूँगा, कंपनी बुरी नहीं, कंपनी अच्छी है, स्टॉक का नेचर ऐसा है जो कि अगर आप मैक्सिमम देखोगे 1997 की ये लिस्टिंग है, स्टॉक का नेचर ही ऐसा है, ऐसे गिरता है ऐसे भागता है, लेकिन बुरी नहीं है कंपनी। लेकिन अगर स्टॉक को कमबैक दिखाना है तो कंपनी को कंसिस्टेंसी अच्छे नंबर दिखा रहा है, जो पिछले 2.5-3 साल से कंपनी एक ही रेंज में कंपनी नंबर दिखा रहा है, स्टॉक को कमबैक के लिए बिल्कुल भी अच्छे मतलब अच्छे नंबर नहीं है। तो प्लीज़ कंपनी के नंबर देख लेना, उसके बाद आप अपना एवरेज हो या फेस बाइंग हो उसके बारे में डिसीजन ले सकते हो। हाँ, अगर आपने टॉप पे खरीदा, बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं और आप होल्ड करने के लिए रेडी हो, तो प्लीज़ लॉस में मत बेचना। सुबह